अभी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार रहे बुंदेलखंड को अब एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल कानपुर से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अगले महीने देश को समर्पित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव और यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अवनीश अवस्थी ने शनिवार को इटावा और जालौन जिले में इस एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा की है। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 14,849 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस लागत में भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव 2019 के फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात इस क्षेत्र के विकास में एक बड़ा योगदान देगी। इसके अलावा चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल चित्रकूट से पहले कानपुर और इटावा के रास्ते आगरा होकर दिल्ली जाना पड़ता था। इस सफर में 12 से 14 घंटे तक का वक्त लगता था और सफर की दूरी करीब 700 किलोमीटर थी, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब यह दूरी 626 किलोमीटर ही रह जाएगी। इसके अलावा आगरा के ताजमहल तक जाने के लिए लोगों को सिर्फ 436 किलोमीटर का सफर ही तय करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे को अगले एक हफ्ते में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा कि इसे जुलाई के दूसरे हफ्ते में उद्घाटन कराने के लिए तैयार किया जा रहा है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसे लोकार्पित करेंगे। शनिवार को यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने इसका निरीक्षण करने के बाद कहा कि प्रोजेक्ट 97% तक पूरा हो गया है और इसका काम कंप्लीट करने के लिए 4 जुलाई तक की डेडलाइन रखी गई है। ये बात जरूर है कि एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस पर सफर करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, लेकिन एक बात और भी है कि इस पर सफर करने के लिए लोगों को टोल का बोझ भी उठाना पड़ेगा। ये जरूर है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र की किस्मत बदल जाएगी और इस इलाके में विकास की नई संभावनाओं का जन्म होगा। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी श्री नंदी जी के आदेश से हम लोग यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते इस प्रोजेक्ट का हम लोग ने निरीक्षण किया था। तब से DM और आपके SSP, आप सभी लोग, पूरा जनपद लगा है पूरे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट अब बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर आ गया है। हमारी आज की प्रोग्रेस पूरे प्रोजेक्ट की 97% है। इसी पैकेज 6 में 3-4 काम जो बाकी हैं वो 4 तारीख तक कंप्लीट करने का निर्देश दिया है और संभावना यह है कि द्वितीय सप्ताह में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से होगा, तो उसी की तैयारी में आज जुटे हुए हैं। क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, क्षेत्र के सभी आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट बुंदेलखंड का, रादर बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भी रिकॉर्ड समय में 28-29 महीने में शुरू हो रहा है। ये बड़ी बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मुख्यमंत्री जी की का विजन था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन होगा। ये हम सभी लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। सर, बहुत सा काम बाकी है, किस तरीके के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, पिछली बार जब आए थे तो लेबर और बढ़ा दी गई है और आप देखेंगे कि अब सब काम समेटना शुरू हो जाएगा। आज ही आप टोल प्लाजा देखेंगे तो ये भी कंप्लीट हो गया है, इसकी भी मशीनें अब 2-4 दिन में चलना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ थोड़े बहुत छोटे वर्क्स बाकी हैं वो अगले एक सप्ताह में पूरे हो जाएंगे। सर, किलोमीटर 291 पर एक स्थान ऐसा है जहाँ अभी दोनों साइड में एक पुल कंप्लीट नहीं, वो पूरा हो जाएगा। आप देखिएगा वो 2 दिन में पूरा हो जाएगा, सभी काम पूरे हो जाएंगे बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में। हम जरूर ये आह्वान करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग जो है इस सड़क का उपयोग करें, जिससे कि ये सड़क जिस कारण बनी है वो जो है कारण से जो है इसके औद्योगिक विकास भी हो, पर्यटन का विकास भी हो, लोगों के आने जाने में भी विकास हो। और चूंकि चित्रकूट बिल्कुल बॉर्डर तक ले जा रहा है ये,
तो मध्य प्रदेश और आगे के यात्रियों के लिए भी दिल्ली जाने का ये बहुत अच्छा और बड़ा साधन होगा। जिस तरह से सरकार एक्सप्रेसवे के किनारों पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजनाओं पर काम कर रही है, इसके अलावा स्टार्टअप्स को भी इसके आसपास लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की नई इबारत लिखेगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए श्रेयांश त्रिपाठी की रिपोर्ट।